आज हम लोग एक रियल घोस्ट स्टोरी सुनने जा रहे हैं जिसका नाम है डायन। तो हेलो गाइस, मेरा नाम है मृदुला और मिस्टीरियस हब में आपका स्वागत है। कुमारपुर गांव के पास ही एक नदी होकर गुजरती है और उस नदी के उस पार बिजली के चार खंभे हैं। और उस गांव में रहने वालों के सामने अगर कोई उन चार खंभों का नाम भी लेता है तो उनके चेहरों पर एक डर की रेखा सी बन जाती है, क्योंकि उस गांव में रहने वालों का यह कहना है कि उन खंभों के पास एक डायन रहती है। इसलिए उन खंभों के पास कोई भी रात में तो क्या दिन में भी नहीं जाता, अगर कोई गलती से भी वहां चला जाए तो वो कभी वापस नहीं आता। वैसे भी वो जगह नदी के उस पार है और नदी के उस पार बस जंगल ही है, इसलिए कोई जल्दी नदी के उस पार नहीं जाता, और अगर कोई जाता भी है तो बस वो अपने जानवरों को घास चराने के लिए ही जाते थे। और महेश भी रोज नदी के उस पार अपनी बकरियों को घास चराने के लिए जाया करता था। वैसे तो उसके पास दो ही बकरियां थी और उसने अपनी उन दोनों बकरियों के नाम भी रखे हुए थे। उसकी एक बकरी का नाम चंपा और दूसरी का नाम चमेली था। और महेश अगर कहीं से भी उन दोनों बकरियों को उनका नाम लेकर बुलाता तो बकरियां तुरंत भागती हुई उसके पास आ जाती थी। और ऐसे ही एक दिन महेश रोज की तरह अपनी बकरियों को घास चराने के लिए नदी के उस पार गया हुआ था। वो नदी के उस पार तो गया हुआ था पर उन चार खंभों के पास नहीं गया था, वो उन खंभों से दूर ऊपर की तरफ गया हुआ था जहाँ बहुत सारे लोग अपने जानवरों को चराने के लिए जाया करते थे। और महेश ने वहाँ पहुँचते ही अपनी बकरियों को घास चरने के लिए छोड़ दिया और खुद जाकर एक पेड़ के नीचे बैठकर फोन चलाने लगा। और थोड़ी देर बाद उसने देखा कि उसकी बकरियाँ कहीं भी नजर नहीं आ रही थी। और अपनी उन्हीं बकरियों को ढूंढने के लिए महेश अपनी जगह से उठा और अपनी बकरियों को आवाज लगाते हुए जंगल के अंदर की तरफ जाने लगा, क्योंकि उसे लग रहा था कि शायद उसकी बकरियां घास खाते खाते जंगल के अंदर चली गई होगी। इसलिए वो लगातार अपनी बकरियों को आवाज लगाता हुआ जंगल की तरफ चले जा रहा था, पर उसको उसकी बकरियां कहीं भी नहीं दिख रही थी। और अब समय भी काफी होने लगा था और वो जंगल भी काफी बड़ा था। अगर महेश ऐसे ही चलते जाता तो उसे इस जंगल को पार करने में लगभग दो दिन लग जाते, इसलिए वो वापस नदी की तरफ आने लगा। पर वो बाहर जाने का रास्ता भूल गया था, पर वो वहाँ रुका नहीं और सीधा सीधा चलते जा रहा था। तभी उसके कानों में नदी के पानी की आवाज आने लगी। महेश समझ चुका था कि वो जंगल के बाहर अब नदी के पास आ गया है, पर वो भी अभी भी अपनी बकरियों को ढूंढ रहा था और उनका नाम लेकर आवाज लगा रहा था, चंपा चमेली चंपा चमेली। वो आवाज लगाते हुए नदी की तरफ चले जा रहा था, पर तभी उसके पैर के नीचे कुछ आ गया। उसने जैसे ही अपने पैरों की तरफ देखा तो उसके शरीर में चलता हुआ खून बर्फ सा ठंडा हो गया और उसके अंदर एक डर की लहर सी चलने लगी, क्योंकि उसके पैर के नीचे एक बोर्ड था और उस बोर्ड में लिखा था, सावधान आगे खतरा है, आगे चार खंभे हैं। महेश यह पढ़कर जैसे ही भागने वाला था तभी उसे बकरियों की आवाज आने लगी। आवाज सुनकर पहले तो महेश ने वहीं से खड़े खड़े अपने बकरियों को आवाज लगाई, पर काफी देर तक जब बकरियां वापस नहीं आई तो महेश डरते डरते उस ओर जाने लगा जहाँ से उसकी बकरियों की आवाज आ रही थी और जहाँ पर वो चार खंभे थे। वो डरता डरता चले जा रहा था तभी उसने देखा एक लड़की चार खंभों के सामने एक पत्थर पर बैठी थी और उसका मुंह दूसरी तरफ था और उस लड़की के बाल इतने बड़े थे कि वो जमीन को छू रहे थे। और उस लड़की के पास में ही महेश की एक बकरी खड़ी हुई थी। अपनी बकरी को देखते ही महेश ने अपनी बकरी को आवाज दी, चंपा इधर आओ। उसकी आवाज उसकी बकरी ने तो नहीं सुनी, पर वो लड़की जो वहाँ पर बैठी थी उसने महेश की आवाज सुनकर जैसे ही पीछे देखा तो उसको देखकर महेश उस लड़की को बस देखता ही रह गया, क्योंकि वो लड़की देखने में बहुत सुंदर और आकर्षक थी। महेश उस लड़की को खड़े खड़े बस देखे ही जा रहा था। तभी उस लड़की ने थोड़ा सा मुस्कुराते हुए कहा, यह आपकी बकरी है क्या? उस लड़की की आवाज सुनते ही महेश का ध्यान भी टूटा और उसने अपने सर पर एक हाथ फेरते हुए कहा, जी हाँ, पर इसके साथ मेरी एक बकरी और थी, क्या आपने उसे कहीं पर देखा? महेश की बात का जवाब देते हुए उस लड़की ने अपने हाथ से इशारा करते हुए कहा, वो एक बकरी उस तरफ है। उस लड़की ने इतना बोलने के बाद महेश ने जैसे ही उस तरफ जाकर
देखा तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गई, क्योंकि महेश ने देखा उनकी दोनों बकरियों के सर कटे हुए वहीं पड़े हुए थे। महेश यह देखकर बहुत डर चुका था, क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले उसकी एक बकरी तो उस लड़की के साथ बिल्कुल सही थी, पर यहाँ पर तो उसकी दोनों बकरियाँ मरी पड़ी हुई थी। महेश अब शायद समझ चुका था कि वो लड़की कौन है, इसलिए वो बिना समय गवाए वहाँ से भागने लगा। पर तभी वो भागते भागते अचानक वहीं पर रुक गया, क्योंकि उसने देखा वो लड़की उसके आगे से ही चल रही थी। उसके आगे से जाते देख महेश तुरंत पीछे भागने को जैसे ही मुड़ा तो एक झटका उसे फिर लगा, क्योंकि उसने देखा वही लड़की अब उसके पीछे से भी आ रही थी। उसने डरते हुए फिर से आगे की तरफ देखा तो वो लड़की अब आगे भी थी और पीछे भी थी और उसके दोनों तरफ भी थी, यानी उस लड़की या उस डाइन ने अब महेश को चारों तरफ से घेर लिया था। उसके बाद वो लड़की चारों तरफ से उसकी ओर आने लगी और उसके पास आते ही उस लड़की का चेहरा बिल्कुल बदल गया और एकदम भयानक सा हो गया। और महेश के पास आते ही उस डाइन ने एकदम अपना एक हाथ महेश की छाती में डाल दिया और उसका दिल एकदम से बाहर निकाल लिया। कहते हैं वो चार खंभों वाली डायन अगर किसी को मारती है तो वो उसे पहले चारों तरफ से घेर लेती है, फिर उसके बाद उसका दिल निकाल लेती है। गांव में कुछ दिनों तक जब महेश दिखाई नहीं दिया तब उन्हें भी ये पता चल गया था कि शायद महेश उन खंभों तक पहुंच गया था, जिसकी वजह से वो वापस कभी लौट के नहीं आ पाया। अगर आपके साथ भी ऐसी कोई घटना घटी हो या आपके आस पड़ोस में किसी के साथ ऐसी घटना घटी हो तो आप हमें अपनी कहानी हमारे ईमेल पर शेयर कर सकते हैं, हम आपकी कहानी सबको बताएंगे। तब तक के लिए बाय।